Hello students, welcome back to Vijay Sir Classes. So here in class 11th accountancy, आज हम लोग start करने वाले हैं नया chapter हमारा Rules of Debit and Credit. हम लोगों ने अभी तक क्लास 11th के अकाउंटेंसी में जितने भी वीडियोस हम लोगों ने अभी तक देखे हैं, आप लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे हैं उन सब में सबसे पहला जो हमारा था वो था, हम लोगों ने एक बेसिक आपको अकाउंटिंग टर्म्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया था, बेसिक अकाउंटेंसी के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराया था, और फिर हम लोगों ने थोड़ा जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके बारे में स्टडी करा, थोड़े हमने मैं क्या बोलूँगी जो अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग्स के थ्रू हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा, सारी चीज़ें हो गई ठीक है. जो एक बेसिक अकाउंटिंग आपको ओवरव्यू देना था, आई गेस मेरी तरफ से मैंने वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी है. जो नेक्स्ट चीज़ अब मुझे स्टार्ट करनी है वो है आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ अकाउंट्स के बारे में और डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ. अगर आप लोगों ने अपनी बुक देखी होगी, आप चाहे एनसीईआरटी देखें, आप चाहे डीके गोयल फॉलो कर रहे हैं या आप टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हैं, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें एक पहला टर्म है अकाउंट से रिलेटेड, डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी. हमारे अकाउंट्स का सबसे मेजर पार्ट या सबसे मेजर टर्मिनोलॉजी अगर मैं कहूँ तो वो हमारा डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है. डबल एंट्री सिस्टम मतलब होता है डुअल एंट्री, ठीक. डुअल एंट्री मतलब जो आप पहले एंट्री कर रहे हो वो आप बाद में भी एंट्री करोगे, ठीक है. इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छे से चल रहा है, सारी चीज़ें उसकी बहुत अच्छी है, उसमें पूरा प्रॉपर फ्लो ऑफ इनफ्लो है, कैश है, सारी चीज़ें उसमें एकदम अच्छे से मेंटेन करी हुई है. सडनली व्हाट हैपेंस आउट ऑफ द ब्लू इज कि वहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपका अकाउंट किस तरीके से मेंटेन हो रहा है, आपका अकाउंट्स का मेंटेनेंस क्या है, ठीक है. तो वहाँ पे आप किस तरीके से बोलोगे. एक अकाउंट्स में होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, आप सिर्फ ना एक आने का या सिर्फ जाने का ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो. लेकिन जब हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात करें, जब हम डबल एंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम में ना आप डबल एंट्रीज करते हो. डबल एंट्रीज किस तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया कि ये पूरा अकाउंट्स अच्छे से चल रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि आपका अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन हो रहा है, ठीक है. अब यू आर आंसरेबल टू दैट पर्सन कि आप अपना अकाउंट जो है वो किस तरीके से मेंटेन कर रहे हो, ठीक. तो जब आप इस तरीके से मेंटेन करने का आप एक आंसर आप जब आप आंसरेबल हो, आपसे पूछा जा रहा है किस तरीके से, देन यू नीड टू गेट द लॉजिक कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन हो रहे हैं. और उस चीज़ के मेंटेनेंस के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ आ रहा है तो कुछ जाएगा भी. ऐसा नहीं है कि कुछ सिर्फ आता ही है और जाता नहीं है, ठीक. कुछ आ रहा है तो कुछ जाएगा. जैसे अगर सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज करा है, तो परचेज में क्या होता है, परचेज में आपका जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन परचेज करा, जो भी करा, फर्नीचर कर रहे हो, प्लांट मशीनरी कर रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, वो सामान आपके पास आया और आपके पास से गया क्या, कैश गया ना. सिंगल एंट्री सिस्टम में आप सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हो जा क्या रहा है और आ क्या रहा है. वहीं पे डबल एंट्री सिस्टम आप सोच के देखो, डबल एंट्री सिस्टम में आप दोनों चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हो, आपका जो जा रहा है, जो आ रहा है, जो कुछ जो भी जा रहा है, जो भी आ रहा है. तो इस तरीके से जब आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हो, सोच के देखना, जब आप अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो अकाउंट्स में क्या रहता है, जब आप दो तरीकों से आप अपना अकाउंट्स जो है मेंटेन करते चल रहे हो, उस पॉइंट पे आप जाने वाली चीज़ें भी रिकॉर्ड कर रहे हो, आने वाली चीज़ें भी रिकॉर्ड कर रहे हो. तो उससे क्या हो जाता है, जब आप अकाउंट्स बनाने बैठोगे एग्जैक्टली, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है, मतलब आपके पास कैश कितना आ रहा है और कैश कितना आपके पास से जा रहा है. और ये चीज़ समझनी इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी बिजनेसमैन, ऑफ एनी पर्सन हु इज़ सर्विंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन और हु इज़ एक्चुअली इन टू द वर्क, ठीक. ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो इस तरीके से ही होता है, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं. अकाउंटिंग प्रोसीजर को अगर आपको समझना है, अगर आपको अकाउंटिंग किस तरीके से होती है उसको समझना है, तो आपको ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझना पड़ेगा. बिना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बिना डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को समझे आप कभी भी अकाउंट्स को बना नहीं सकते हो, ठीक है. तो चलो मूविंग अहेड. सबसे पहले अब जो इस चैप्टर में मुझे पढ़ना है, मुझे मेनली पांच चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है.
सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू अकाउंट है उनके बारे में। उसके बाद मुझे मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ना है कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है और डेबिट एंड क्रेडिट को किस तरीके से करा जाता है, कितने अप्रोचेस होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के। ये सारी चीज़ें मुझे इस पूरे एक वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मीनिंग ऑफ अकाउंट के बारे में पढ़ना है। मीनिंग ऑफ अकाउंट क्या है? मीनिंग ऑफ अकाउंट है, इट रिकॉर्ड्स ओनली द ट्रांजैक्शन बट आल्सो देयर इफेक्ट। इट नॉट ओनली रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन। अकाउंट क्या होता है? वो सिर्फ आपके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है बट उनके इफेक्ट्स को भी रिकॉर्ड करता है कि उनके इफेक्ट्स के कारण आपका अकाउंट जो है वो किस तरीके से मेंटेन होगा, क्या होगा। आप सपोज आप बैंक का एग्जाम्पल लो, ठीक है। बैंक वाले आपका अकाउंट मेंटेन करते हैं, है ना। बैंक वाले आपका अकाउंट किस तरीके से मेंटेन कर रहे थे? आप जो चीज़ भेज रहे हो और जो चीज़ लेके आ रहे हो, उन दोनों के ऊपर जिस डेट पे आपने डिपॉजिट कर दिया उन्होंने उस डेट पे आपका डिपॉजिट शो कर दिया, जिस डेट पे आपने विड्रॉ कर लिया उस डेट पे उन्होंने आपका विड्रॉ शो कर दिया। तो वो क्या है, वो आपके ट्रांजेक्शन्स को तो नहीं रिकॉर्ड कर रहे, आपके ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को भी रिकॉर्ड कर रहे। वो ये तो नहीं लिख दे रहा ना विड्रॉन 10,000 डिपॉजिटेड 5,000, ये नहीं। वो प्रॉपर आपको एक डेबिट एंड क्रेडिट दिखा रहा है और डेबिट एंड क्रेडिट दिखाने के बाद आपको वो क्या करते हैं, आपको वो बैलेंस भी दिखाते हैं, ठीक है। तो अब जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे होगे ना, तो अगर आपके घर में कोई भी पासबुक है उस पासबुक को ज़रूर देखना खोल के, और फिर उस पासबुक के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना कि किस दिन पे आपने डिपॉजिट करा और डिपॉजिट में अमाउंट कहाँ जा रहा है, आपने विड्रॉ करा तो विड्रॉन में अमाउंट कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको उस दिन पे समझने की ज़रूरत है, ठीक। देखो अब इसमें हम लोगों को अकाउंट के बारे में पढ़ना था, तो अकाउंट का मैंने बता दिया। समझने की कोशिश करना कि किस दिन पे आपने डिपॉजिट करा और डिपॉजिट में अमाउंट कहाँ जा रहा है, आपने विड्रॉ करा तो विड्रॉन में अमाउंट कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको उस दिन पे समझने की ज़रूरत है, ठीक। देखो अब इसमें हम लोगों को अकाउंट के बारे में पढ़ना था, तो अकाउंट का मैंने बता दिया कि ये ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड, सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करता बट ऑल्सो देयर इफेक्ट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन दिस। मतलब अगर मुझे सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना होता तो मैं क्या करती, एक ऐसा अकाउंट बना देती, इस दिन पे इतना विड्रॉ हुआ, इस दिन पे इतना डिपॉजिट हुआ, ये बना के मैं ख़त्म करती। लेकिन नहीं, अकाउंट में मैं ट्रांजेक्शन्स के इफेक्ट भी रिकॉर्ड करती हूँ, तो इफेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए मैं उनको प्रॉपर कौन सा डेबिट में जाएगा कौन सा क्रेडिट में जाएगा ये सब रिकॉर्ड करती हूँ। नेक्स्ट, अकाउंट हमेशा एक टी शेप अकाउंट बनता है। टी शेप अकाउंट से मैं आपको समझा रही हूँ, ये टी, हम लोग टी किस तरीके से बनाते हैं, एक ऐसे टी बनता है, तो सेम चीज़ ये एक और ये टी, ये मेजर बाइफर्केशन है। ये जो लाइन है इसके बाद में डेबिट है और इसके बाद में क्रेडिट है, तो इसीलिए हम लोग इसको टी शेप अकाउंट बोलते हैं, ठीक। तो चलो, तो ये एक टी शेप अकाउंट बनता है। एंड हाँ, अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म, कभी भी हम लोग अकाउंट्स में जब लिखते हैं तो हम लोग पूरा ए डबल सी ओ यू एन टी नहीं लिखते, हम लोग अकाउंट का हमेशा शॉर्ट फॉर्म ए स्लैश ऑब्लिक जो भी आप बोल लो उसको सी लिखते हैं, ये उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। जब हम लोग आगे जर्नल एंट्रीज ड्राफ्ट करेंगे या हम लोग कुछ भी बेसिक कुछ और चीज़ें ड्राफ्ट करेंगे तो अब हम वहाँ पे उस चीज़ को समझेंगे। नेक्स्ट दैट कम्स इज, इसको समझाने के पहले मैं थोड़ा सा आपको ये सारी चीज़ें समझाती हूँ। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो इसको बनाते वक्त हमको याद रखते हुए चलना है। एक पहला पॉइंट होता है नेम ऑफ द अकाउंट, जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हो। अकाउंट हर किसी का बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में वेजेस अकाउंट भी होगा अगर आप वेजेस देते हो तो, एक ऑर्गेनाइजेशन में ड्रॉइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, सारे अकाउंट होते हैं। हर एक पर्टिकुलर हेड का पर्टिकुलर अकाउंट होता है, तो उस अकाउंट का नाम जो भी रहता है, जिस भी अकाउंट का नाम है उसको हमको टॉप में लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, अकाउंट जो होते हैं वो प्रॉपर टू हाफ्स में डिवाइडेड रहते हैं, ये इस तरफ है और ये इस तरफ, इस तरह ये एक पूरा इनका हमने दो हाफ में डिवाइड करके रखा है, ये इस तरफ का डेबिट है और इस तरफ का क्रेडिट। तो हमेशा अकाउंट्स टू हाफ में डिवाइडेड हैं, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है हमेशा, जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो डेबिट होगा और हमेशा राइट हैंड साइड जो रहता है वो क्रेडिट होता है। दूसरी चीज़, टू और बाय का हमको स्पेसिफिक ध्यान रखना है, टू हमेशा इसके साथ होता है और बाय हमेशा इसके साथ होता है। कैश अकाउंट या किसी भी तरीके के अकाउंट बनाते टाइम हम लोग एक और चीज़ ध्यान में रखना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका एक बैलेंस भी निकलता है, बैलेंसिंग फिगर भी निकलता है। क्या होता है वो बैलेंसिंग फिगर जो होता है, ये हम लोग दोनों अकाउंट का टोटल करेंगे। सपोज यहाँ पे आपने 1, 2, 3 तीन आइटम लिखे हैं, यहाँ पे आपने 1 और 2 आइटम लिखा है, इन तीन आइटम का टोटल आपका इस तरफ का टोटल आ रहा है 46,000, इस तरफ का टोटल आ रहा है आपका 32,000, ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग होता है कि हमको इन दोनों को इक्वल रखना है,
कभी भी हम इन दोनों को ऊपर नीचे नहीं रख सकते या कम या ज़्यादा नहीं रख सकते। तो जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो उसका रूल ये बोलता है कि जिस तरफ भी ज़्यादा आया है, जिस तरफ भी अमाउंट ज़्यादा है, उसको कम वाले तरफ से माइनस करो। पहला स्टेप, तो 46,000 माइनस 32,000, ठीक है, 14,000 हुआ। ये 14,000 का डिफरेंस कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड आ रहा है। 14,000 क्रेडिट साइड में कम है, तो यहाँ पे हम लोग जब ये यहाँ पे 14,000 कम है क्रेडिट तरफ में, तो हम लोग यहाँ पे बाय करके लिखते हैं और इसके बाद ये 14,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर कहलाता है। ये करना हमको हमेशा कंपलसरी है, क्योंकि हमको हमेशा लार्जर अमाउंट के इसमें ही हमको टोटल चाहिए होता है। जो भी लार्जर अमाउंट होता है उसी अमाउंट के बेसिस पे हमको टोटल चाहिए होता है, और उसी अमाउंट के बेसिस पे हम लोग पूरा एक अकाउंट को टोटल करते हैं, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है वो मेजर अमाउंट मतलब लार्जर अमाउंट से स्मॉलर अमाउंट को माइनस करने के बाद जो आता है उसको हमारा बैलेंसिंग फिगर कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलो ये अकाउंट का मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन करा क्योंकि ये आपको एक्सप्लेन हमेशा अच्छे से होना चाहिए। ये नहीं समझ में आ रहा, दो बार देखो, तीन बार देखो, इसको फिर से आप बैक करके देखो, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। हमको हमेशा लार्जर अमाउंट टोटल में चाहिए, मुझे इस तरफ का दोनों का 46 ही चाहिए किसी भी हालत में। नहीं आता यहाँ पे, किसी भी तरफ नहीं आता, तो मैं बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट को माइनस करूंगी, जो भी डिफरेंस आएगा जिस तरफ कम है, जिस तरफ कम आ रहा है उस तरफ मैं लिखूंगी और उसको फिर टोटल बैलेंसिंग फिगर करके मैं मेंशन करूंगी। ठीक है, चलो अब देखो हमको पढ़ना है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मतलब है कि डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है। डेबिट एंड क्रेडिट हर टर्म्स में जो है ये डिफरेंट होता है, क्योंकि जब हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे, जब हम लोग अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग अकाउंट्स किस तरीके से होते हैं, अकाउंट्स के अप्रोचेस क्या क्या हैं, अकाउंट्स क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं है, जब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि तब डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है। अभी के लिए एज इफ नाउ अगर मुझे बताना है तो डेबिट मतलब DR है, क्रेडिट मतलब CR है। जो हम लोग बात कर रहे थे कि डबल एंट्री सिस्टम होता है वो यही होता है, डेबिट में भी कुछ जितना अमाउंट जाएगा उतना ही क्रेडिट में जाता है। एक अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट दोनों होता है। अब कभी तुम लोग सोच के देखो, जब तुम लोग बैंक की पासबुक निकाल के देखोगे, चेक करना, अगर आपने डेबिट 4000 करा है तो वहाँ पे डेबिट 8000 नहीं दिखाएगा। ठीक है, डेबिट अगर तुमने 4000 करा है तो वो 4000 के साथ ही टोटल दिखाएगा, क्रेडिट तुमने 8000 करा है तो वो 8000 के साथ टोटल दिखाएगा। ये नहीं है कि आपने क्रेडिट 8000 करा वो अपनी मर्जी से 7000 दिखा दे रहा है, ऐसा नहीं है। जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होता है। हर ट्रांजेक्शन के डुअल एस्पेक्ट होते हैं, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो देयर हैज टू बी सम ऑफ द डुअल एस्पेक्ट, जितने अमाउंट से आप डेबिट करोगे उतने अमाउंट से आप क्रेडिट भी करते हो। और इसमें टाइप ऑफ अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग आगे अब पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो मेजर बाइफर्केशन हमको याद रखना है वो ये है कि इन सारों का अगर मैं आपको कंक्लूजन डिराइव करके बता सकूं, तो सबसे पहले आपको अकाउंट के बारे में पढ़ना जरूरी है, अकाउंट किस तरीके से बैलेंस होता है। आप लोग इसको फिर से देखिए, बैलेंस करना सीखिए अकाउंट को कि किस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको सबसे पहले ये मैंने बता दिया कि अकाउंट्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट आपको दोनों तरफ लिखना जरूरी है, दो हाफ्स में डिवाइडेड होता है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ अकाउंट लिखना है कि किसका आप अकाउंट बना रहे हो, बैलेंसिंग करना है आपको टोटल, अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट जाता है, JF वाले कॉलम आपको बनानी कंपलसरी होती है लेकिन आपको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। ये जो हमने एक JF वाला कॉलम बनाया है ये बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है बेसिक जब आप अकाउंट्स बनाओगे तब आप देखोगे कि जर्नल फोलियो का एक अमाउंट रहता है जहाँ पे हम लोग जर्नल और लेजर का कंपेरिजन करते हैं कि जर्नल के इस नंबर वाले आइटम का मैंने लेजर यहाँ पे बनाया है। तो ये आपको बनाना ज़रूरी है लेकिन आपके एग्जाम्स में भी ये पूछता नहीं है, डेट जिस दिन पे आप उसको बना रहे हो उस ट्रांजेक्शन को, तो यहाँ पे वो डेट आता है। ठीक है, चलो मूविंग अहेड, अब हम लोग पढ़ते हैं अप्रोचेस और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जैसे मैंने आपको बोला था, अब हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में कि किस तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं, अकाउंट्स किस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं और उन अकाउंट्स के अंडर में हम लोग किस तरीके से इसके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो आपका आ रहा है वो है, दो तरीकों से अकाउंट क्लासिफाइड होते हैं, एक होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा होता है आपका मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहला पॉइंट जो आपका आता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम किस तरीके से अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में करते हैं, एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है इम्पर्सनल।
पर्सनल अकाउंट मतलब होता है जो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से रिलेटेड है, जो किसी इंसान से रिलेटेड है, उसको हम लोग पर्सनल में लाते हैं। एंड इम्पर्सनल में जो भी हमारे इम्पर्सनल टैंजिबल चीज़ें होती है जो कि नॉट दैट पर्सनली बिलोंगिंग टू अ पर्सन बट स्टिल इट बिलोंग्स टू अ पर्सन, ठीक है, वो एक्चुअली में किसी इंसान की नहीं होती लेकिन फिर भी किसी इंसान, क्योंकि इंसान ही तो ट्रांजेक्शन करते हैं ना, कोई नॉन लिविंग थिंग तो ट्रांजेक्शन करती नहीं है, तो इसीलिए वो उस इंसान की होती भी है और एक तरीके से वो नहीं भी होती है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। ये दो के बाद हम लोग अब पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट को दो चीज़ों में बांटें। पर्सनल अकाउंट तीन कैटेगरीज में बांटा हुआ है, एक नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल समझना ज़रूरी है। नेचुरल पर्सन जैसे मैं, आप सारे, हम लोग, कोई भी जो कि एक इंसान है, लिविंग थिंग है, मैन है, वुमेन है, जो भी है, वो नेचुरल पर्सनल में आते हैं। नेचुरल पर्सनल मतलब नेचुरली जो कि पर्सनल, जिनकी आइडेंटिटी है, जो कि ट्रांजैक्शंस अपने बेसिस पे पर्सनली करते हैं, वो हमारा नेचुरल पर्सनल है। आर्टिफिशियल पर्सनल में आता है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी आपकी कंपनीज हैं या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये सारी चीज़ें जो आती है वो आपकी आर्टिफिशियल पर्सनल में आती है। नेक्स्ट व्हाट कम्स इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मतलब जो आपके बिहाफ पे डिसीजंस को साइन कर दे, जो आपके बिहाफ पे डिसीजंस को कंप्लीट कर दे, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। आर्टिफिशियल पर्सनल में क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज डेफिनेटली ट्रांजैक्शंस अंडरगो करती हैं, कंपनीज अपने नाम पे ट्रांजैक्शन अंडरगो करती है, लेकिन कंपनीज जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनीज को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग लेकिन ट्रांजैक्शनल पर्सन होते हैं। कंपनीज के नाम पे ट्रांजैक्शंस होते हैं लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग होती है। हमारे जैसे कंपनीज तो होती नहीं है, कंपनीज जो है वो आर्टिफिशियल है, इसीलिए वो कंपनीज हमारी आर्टिफिशियल पर्सन। फिर उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रांजैक्शन आप करें या कंपनी करे, कभी कभी आपके बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो तीसरे रिप्रेजेंटेटिव्स भी कर देते हैं, तो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। उसके बाद है आपका रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल एज द वर्ड स्टेट्स, रियल मतलब जो कि रियल चीज़ें, जिन रियल चीज़ों में आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, जिन रियल चीज़ों में आप डील कर रहे हैं, वो आपके रियल अकाउंट में आता है। उसके बाद आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो भी हम लोग एक्सपेंसेस हैं, गेंस हैं, इनकम्स हैं, लॉसेस हैं, जो भी आता है वो नॉमिनल में आता है। रियल में जो भी कैश, बिल्डिंग, इंसान, जो भी आपको दिखने वाली चीज़ें, जो भी रियल हैं, वो आपके रियल अकाउंट में जाती हैं। नेक्स्ट कमिंग अप अहेड इज रूल्स। रूल्स क्या हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स जो हैं इन सारे पर्सनल और रियल एंड नॉमिनल के। कभी भी हम लोग अगर बनाते हैं तो हमको तीन अकाउंट के बनाने होते हैं, एक पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये तीन तरीके के अकाउंट होते हैं एक ब्रॉड कैटेगरी में, ठीक है, रियल, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इन तीन अकाउंट्स के हम लोग रूल्स के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम को कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रियल अकाउंट का सबसे पहले क्या आएगा, डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर। जो भी इसका रूल है वो ये है कि हमको रिसीवर को डेबिट करना है और जो भी गिवर है उसको क्रेडिट करना है। मतलब जो भी, जिसको भी पैसा रिसीव हो रहा है वो हमेशा डेबिट होगा और जो भी पैसा दे रहा है वो हमेशा क्रेडिट होगा। ये पर्सनल का, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिसीवर और गिवर होता है, इसमें कोई इंसान ट्रांजेक्शन कर रहा होता है, इसीलिए यहाँ पे इंसान के बारे में बोला गया है। जिस इंसान को मिलेगा, जिस इंसान के पास आएगा वो डेबिट होगा, जिस इंसान के पास जाएगा वो क्रेडिट होगा। दूसरा उसके आपके पास आता है रियल अकाउंट। रियल मतलब जैसे मैंने आपको बताया, कैश, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी रियल होती हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो भी आपके पास आ रहा है आपको उसको डेबिट करना है, जो भी आपके पास जा रहा है उसको आपको क्रेडिट, जो भी आपके पास से जा रहा है उसको आपको क्रेडिट करना है। तो ये सेम, समवट सिमिलर है। रिसीवर को अगर आप डेबिट कर रहे हो मतलब आपके पास कुछ आ रहा है, आप उसी को डेबिट कर रहे हो। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। गिवर एंड व्हाट गोज आउट, गिवर जो भी है मतलब जो भी आपका गिवर है आपने उसको क्रेडिट करा है, और यहाँ पे व्हाट गोज आउट आपके पास से जा रहा है, तो इट इज़ सिमिलर, वन ऑफ द सेम थिंग। नेक्स्ट इज डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस भी आप बियर कर रहे हो, लॉसेस भी आपको हो रहे हैं, इसीलिए आप इसको डेबिट कर रहे हो। इनकम्स एंड गेंस, सिंस आपकी इनकम्स एंड गेंस जो हो रही हैं वो जा रही हैं, इनकम्स एंड गेंस आपकी जो हो रही हैं आप किसी और को दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हो ना, तो इसीलिए इनको यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये सारे आपके रूल्स हैं, इन रूल्स को आपको प्रॉपर तरीके से रेक्टिफाई करना है। ये गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स, इन रूल्स को हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। कभी भी आपके पेपर में, दिस इज 101% श्योर क्वेश्चन है ये, कि आपके पेपर में ऐसे वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इज रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये आपके कहीं के भी, आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, हर स्कूल के स्टूडेंट के लिए ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को रटना, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को समझना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, ये तीन अकाउंटिंग अकाउंट, तीन चीज़ें हैं, इनको आपको समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद जो आपका पॉइंट है यहाँ पे, जो हम लोगों को और पढ़ने की चीज़ है वो ये है कि कभी भी हमको जर्नल एंट्री बनानी है इसके बेसिस पे, ठीक है। हमको अगर इसके बेसिस पे जर्नल एंट्री बनानी है, ये तीन हमने तो समझ लिया कि क्या है। कभी भी आपको किसी भी अकाउंट को डेबिट करना है, एक सिंपल सा फंडा आप ये चीज़ समझ लो, एकदम बेसिक फंडा है ये फंड। अगर आप समझ जाओगे आप लाइफ टाइम जर्नल एंट्री बना सकते हो। ये हमेशा याद रखो, जो भी आया, पैसा आया, इंसान आया, सामान आया, कुछ भी आया, उसको हमेशा डेबिट करते हैं। जो भी गया, पैसा गया, इंसान गया, सामान गया, कुछ भी गया, उसको हमेशा हम लोग क्रेडिट करते हैं। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग। ये दो चीज़ अगर आप रट लिए, इसके अलावा इसको आप रटो, लेकिन जर्नल एंट्री जब बनाओगे आप, आपको इसके बेसिस पे बनाना है। आने वाले वीडियोस में जब मैं आपको जर्नल एंट्रीज बना के दिखाऊंगी, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसी के बेसिस पे बना के दिखाऊंगी। एंड दिस पॉइंट नीड्स टू बी रटाफाइड। इसको आपको किसी भी हालत में रटना ज़रूरी है, ठीक है। चलो मूविंग अहेड टुवर्ड्स अ मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, अब हमको मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ना है। पिछली बार हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा था, अब हमको मॉडर्न अप्रोच पढ़ना है, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले आपके आते हैं असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिस। ये आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। उसके बाद अकाउंट को क्रेडिट करना है और अकाउंट को एक डेबिट करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं इसमें, एक अकाउंट आपका डेबिट होगा और एक अकाउंट आपका जो होगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच, हमने जो पिछला जो हमने पर्सनल अप्रोच पढ़ा था, पर्सनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारा यही था, ठीक है। पर्सनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने तीन अकाउंट्स बनाए थे, उन तीन अकाउंट्स के रूल्स हमने पढ़े थे और उन रूल्स के बेसिस पे हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। कभी भी हम लोग जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करते हैं तो जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करने का हमेशा ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू, या जो मैंने आपको बताया था आया और गया वाला, उसी के थ्रू हम लोग जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करते हैं। मॉडर्न अप्रोच इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग। आपको एक बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि किस तरीके से हमको इस अप्रोच को समझना है या किस तरीके से हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझ सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर एस्पेक्ट अगर आपको चाहिए तो वो एस्पेक्ट आपको इसके थ्रू नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले आपका आता है एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ठीक। तो टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस में आपका क्या क्या आया, सबसे पहले आपका है एसेट। एसेट में अगर अकाउंट है तो उसका अकाउंट होगा वो डेबिट होगा और अकाउंट जो है उसका वो एक क्रेडिट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है अकाउंट्स में सबसे पहले आता है आपका एसेट। एसेट में डेबिट कब होगा, जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो अकाउंट जो है वो डेबिट होता है। जब एसेट की वैल्यू क्रेडिट होती है तो अकाउंट जो है वो आपका डिक्रीज होता है। डिक्रीज जब हो रही है एसेट की वैल्यू, तब आपका अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है। फिर उसके बाद लाइबिलिटी। अब इसमें फिर से तुम लोग एक बात समझो, अगर इंक्रीज हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, इंक्रीज अगर मैं एसेट लिख रही हूँ मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब मेरे पास एसेट आ रहा है, ये आया है, तो हम लोग क्या करते हैं डेबिट। यहाँ पे डिक्रीज हो रही है मतलब मेरी एसेट जा रही है, एसेट जा रही है, गया है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। तो इट इज़ वन और दी अदर सेम थिंग। अगर आप पूरे रूल्स को घुमा फिरा के देखोगे, सारे रूल्स आपको वन और दी अदर सेम चीज़ ही बोलेंगे कि ये इसी तरीके से होता है, इसको इसी तरीके से हमको करना है। तो यहाँ पे आया डेबिट, गया जो है हम लोग का क्रेडिट। फिर उसके बाद है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो है उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे आती है। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे हमारा डेबिट हो जाता है। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है मतलब क्या है, लाइबिलिटी मतलब पेमेंट, पेमेंट डिक्रीज हो रहा है, पेमेंट मेरा कम हो रहा है तो वह डेबिट हो रहा है, और पेमेंट अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो वह मेरा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगर आप उसको समझोगे, आया इंक्रीज हो रहा है मतलब इंक्रीज क्या हो रहा है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ते जा रही है, आपके पास और लाइबिलिटी आते जा रही है। तो सेम चीज़ यहाँ पे आते जा रही है तो ये आपका क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। या सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे, ये आपका बढ़ रहा है, ये आपका बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो यह क्रेडिट कर रहे हो, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो आप डेबिट कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल। कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट करोगे, इंक्रीज होता है तो आप क्रेडिट करोगे। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जो भी आप जनरेट कर रहे हो, जो भी आप कमा रहे हो, उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू अगर आपका इंक्रीज हो, रेवेन्यू अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको डेबिट करते हैं, एंड अगर आपका वो इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट करते हो। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अगर आपके डेबिट हो रहे हैं अगर, तो वो मतलब इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं तब वो डेबिट हो रहा है। फिर यहाँ पे क्रेडिट, डिक्रीज जो हो रहा है ये क्रेडिट होता है तो ये आपका डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट
पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर आप जर्नल एंट्रीज ड्राफ्ट करो, आप किसी भी, ये यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट खत्म होता है। इस पूरे चैप्टर में हमने क्या समझा था, हमने क्या पढ़ा, मैं आपको फिर से एक बार बोलती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने अकाउंट का मतलब पढ़ा, अकाउंट का मतलब पढ़ने के बाद हमने अकाउंट किस तरीके से बनता है वो सीखा, टी शेप अकाउंट हमने बनाना सीखा। टी शेप अकाउंट इज अ प्रायोरिटी, टी शेप अकाउंट हमेशा आपका एकदम पॉइंट होना चाहिए, टी शेप अकाउंट इज द कंपल्सरी थिंग। टी शेप अकाउंट के बाद हमने क्या सीखा है कि हमको मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझना है। अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डेबिट मतलब जो रहता है, डेबिट मतलब इज आना, डेबिट और क्रेडिट मतलब इज जाना। आपको जर्नल एंट्री, ये चैप्टर जो पढ़ाने का बेसिक मोटिव होता है, ये चैप्टर पढ़ाने का बेसिक मोटिव था कि आप जर्नल एंट्रीज अच्छे से ड्राफ्ट कर सको। अनटिल एंड अनलेस आप जर्नल एंट्रीज अच्छे से ड्राफ्ट कर पाओगे, आपका जो क्वेश्चन है जिस तरीके से उसको बनना चाहिए वो क्वेश्चन उस तरीके से नहीं बन पाएगा। एंड आपको क्वेश्चन बनाना इज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन आपको बनाना इजीली आना चाहिए अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो, क्योंकि आपके आने वाले जो भी चैप्टर्स रहेंगे, 12th भी अकाउंटेंसी अगर आप पढ़ोगे तो 12th अकाउंटेंसी भी सिर्फ और सिर्फ आपका यही डिमांड करेगा कि किस तरीके से आप अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो, किस तरीके से आप अकाउंट्स को बना पा रहे हो। तो यहां पे ये जो चैप्टर है इसको मैं खत्म करती हूं, यहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म है। हमने टी शेप अकाउंट बनाना सीखा, टी शेप अकाउंटिंग का बैलेंसिंग मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बैलेंसिंग होता है। डेबिट माइनस क्रेडिट करो, जहां पे आपका इक्वल का, आपको दोनों तरफ इक्वल चाहिए, लार्जर अमाउंट या हायर अमाउंट हमेशा रहेगा, स्मॉलर अमाउंट से माइनस करो, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा आप उसको इक्वल कर दो। नेक्स्ट उसके बाद है आपका, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने क्या पढ़ा, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने क्या पढ़ा, पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है, हमने उनके रूल्स पढ़ लिए। अब हमने यहाँ पे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी इनके रूल्स पढ़ लिए। अब जब हम इनके रूल्स पढ़ चुके हैं तो इनके रूल्स पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे इनके रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब कभी भी हमको ये बनाना होगा, जब कभी भी हमको जर्नल एंट्रीज ड्राफ्ट करनी है, तो हमको हमेशा ट्रेडिशनल अप्रोच की हेल्प लेनी है। ट्रेडिशनल अप्रोच की हेल्प लेके ही हम जर्नल एंट्रीज ड्राफ्ट करेंगे और इसमें हम और कुछ नहीं ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर जर्नल एंट्रीज ईजिली बनानी है, मैं फिर से वीडियो के एंडिंग में ये चीज़ बोल रही हूँ, याद रखो, डेबिट मतलब आना, क्रेडिट मतलब जाना। जो भी आया उसको डेबिट करो, जो भी गया उसको क्रेडिट करो, एंड डोंट फॉलो एनीथिंग एल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो समझ में आया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड बी विद आवर चैनल फॉर कैचिंग अप मोर वीडियोज इन अकाउंटेंसी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।